हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। आपकी जो भर्ती है मध्य प्रदेश में ओएसटी केंद्र में दोस्तों आपकी भर्ती होनी है। इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर रिलीज यहाँ पर कर दिया गया है। यदि आपके पास दोस्तों स्नातक पास है और कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर निकाले गए हैं, ठीक है। सभी पद रहेंगे दोस्तों संविदा के आधार पर। चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं कहीं इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों दोस्तों मेरे एक ही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं लाइक। क्योंकि दोस्तों हम आ चुके हैं इसके नोटिस पे और आपकी जो भर्ती दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना से ये निकाली गई है और ओएसटी केंद्र में आपकी भर्ती होनी है और ये रहेंगे संविदा के आधार भर्ती होनी है। कौन कौन से पद निकाले बताऊँ मैं, इसका जो नोटिफिकेशन है 26 फरवरी को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रिलीज यहाँ पर किया गया था, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं पहले पद की, देखिए देखो यहाँ पर हम बात कर लें दोस्तों। देखिए आपकी जो पद रहेगा पहला, तो पहला पद रहेगा मेडिकल ऑफिसर का रहेगा और आपका ये रहेगा गुना में आपका होना, ठीक है। एक पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो आपने MBBS किया हो, ठीक है ना, संबंधित क्षेत्र में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की हम बात कर लेते हैं तो 7200 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर ली, नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों आपकी निकाली गई है काउंसिल की रहेगी, गुना में रहने वाली एक पोस्ट रहेगी आप लोगों की। यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएशन डिग्री किया हो, ठीक है, संबंधित क्षेत्र में आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी 21000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर ली, नेक्स्ट पोस्ट आप दोस्तों यहाँ पर आपकी रहने वाली है डाटा मैनेजर की रहेगी, गुना में ही रहने वाली है, एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो और प्लस आपके पास कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज हो और हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की हम बात कर लेते हैं तो 21000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट रहेगा ANM का रहने वाला है, गुना में रहेगा, एक पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर आप लोगों ने ANM कोर्स किया हो कंप्लीट आपके पास होना चाहिए तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूँ तो 18000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। देखिए आपको आवेदन जमा का करना है तो आवेदन जो रहेगा दोस्तों जमा, तो OST केंद्र आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, गुना में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जमा करने की जो पता है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। और आपका जो केंद्र रहेगा वो रहेगा OST गुना आपको रहने वाला है। और जो आवेदन की दोस्तों अंतिम तिथि यानी कब तक करना है तो आप लोग 18 मार्च तक यहाँ पर दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोग डाक के वन किसी कारण से विलंब होने पर मतलब स्वीकार नहीं किए जाएंगे आवेदन, आप लोग ध्यान रखें, या तो स्वयं चले जाएँ या आप लोग डाक के द्वारा भेज दें। दूसरा जो मिनिमम एज है वो दोस्तों 18 वर्ष है और मैक्सिमम यहाँ पर 60 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। आपका जो पद रहेगा वो रहेगा दोस्तों अस्थायी पद रहे मतलब संविदा के आधार पद आपका रहने वाला है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें। संबंधित पद के लिए आपके पास युक्ता होनी चाहिए पूर्ण यहाँ पर। और देखिए आपका जो चयन है दोस्तों वो किया जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चयन शैक्षणिक योग्यता की मेरिट एवं साक्षात्कार या लिखित के माध्यम से किया जाएगा, नहीं आपका मेरिट बनाई जाएगी, इसमें साक्षात्कार दिया जाएगा और लिखित भी आपका लिया जा सकता है तीनों के माध्यम से, उन्होंने यहाँ पर बता दिया, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाकर दे सकते हैं, ठीक है ना, जो किन्नी दो प्रक्रिया यहाँ पर कर सकते हैं। इसके पश्चात चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी कोई भी TED आपको नहीं मिलने वाला, भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर आपका रोस्टर या बॉय लागू यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिला केंद्र का नाम गुना में आप भेज रहा उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग रख लें और कटा फटा जो भी दस्तावेज ना लगाएं और आप लोग साइन भी करना पड़ेंगे, ठीक है यहाँ पर। इसके पश्चात और हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, वो आप लोग यहाँ पर एक बार देख लो। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च 2024 तक अथवा ना को, देखिए जो भी यहाँ पर डेट दी हुई है वो आप तो देख लें। और दोस्तों इसका जो रहेगा फॉर्मेट, तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि अधिकार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना के पास सुरक्षित होगा, ठीक है। आवेदन का जो प्रारूप है आपको gona.nic से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी पोर्टल पर नहीं दिया हुआ, मैंने जाकर चेक कर लिया पोर्टल पर अभी नहीं दिया हुआ है, जैसे ही पोर्टल पर आ जाएगा तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आपको इसी साइट पर आपको मिल जाएगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलती है अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। और यदि आपको ये नहीं मिलता तो दोस्तों आप लोग अपना रिज्यूम प्लस समझ डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लें। और दोस्तों दूसरी बात में रहने वाली है दोस्तों, इसमें आपकी जो मेरिट सूची है यानी जो मेरिट सूची वो बनेगी, साथ में दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी, ठीक है, चूँकि वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी मान लो कोई छोड़ देता है तो उस पर वेटिंग वाले को यहाँ पर बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके थैंक्स।